हेलो फ्रेंड, कैसे हो सब? गुड मॉर्निंग। तो अभी तो सुबह के 8 बजे हैं, तो चाय वाय पी के फ्री हैं। आज हम कुछ अलग बनाने की सोच रहे हैं, चटपटे, क्योंकि मौसम है आज ऑसम, बहुत अच्छा, बारिश हुई है खूब सुबह के टाइम, मतलब जल्दी 3-4 बजे से खूब बारिश हुई थी, तो पानी पानी भर गया। मुझे तो खुशी है क्योंकि सरसों में पानी नहीं देना पड़ेगा, सुबह सुबह ये खुशी ज़्यादा है। तो आज तो कुछ बना के खाएंगे चटपटा, गरम गरम, जैसे आलू के पराठे, पकौड़ी, कुछ तो बनाएंगे आज। तो अब चलेंगे रसोई की तरफ, क्या क्या बनाते हैं देखते हैं। ये शैतान बेटा है, देख सुबह सुबह कुदकता डोल रहा है। तो इधर मेरी छाछ हो रही है, देखो मशीन लग रही है। अभी तो सुबह ही तो है, लेट जगह, आज बरसात हो रही है इस वजह से। तो इसमें देखो मैंने आलू उबाल लिए हैं, तो आज बनाएंगे गर्मा गर्म आलू के पराठे, क्योंकि मौसम ही कुछ ऐसा है, बच्चे स्कूल जाएंगे, तो मैंने जल्दी आलू उबाल लिए। इधर मशीन चल रही है, इसको बंद कर देती हूँ क्योंकि छाछ हो गई होगी। दोस्तों पहले तो मैं निकाल लेती हूँ घी को और फिर बनाएंगे पराठे। ये घी रखा है मेरे इस कटोरी में, गर्म पानी में ले लिया है, तो गर्म पानी से घी अच्छा निकलता है। उसको हाथ दे देते हैं गर्म पानी में, चेक कर लिया हाथ के जब ये दोस्तों ये बच्चों के लिए मैंने दही रख लिया है, क्योंकि आलू के पराठे बन रहे हैं तो दही के साथ ही मस्त लगेंगे ना। और ये मैंने घी निकाल लिया है, इसमें ही मैं बनाऊंगी आलू के पराठे। इससे ही ये आटा लगा के रख लिया है पहले ही, क्योंकि जल्दी होती है सब, सुबह बच्चे स्कूल जाते हैं। तो अब मैं आलू छील लेती हूँ, फिर बनाऊंगी पराठे। तो दोस्तों हम फ्री हैं सब काम करके अब, और अब बच चुके हैं 3। तो ये देखो कल इसके वैक्सीन लगी थी, बड़ा वाला बेटा है, तो ये बता रहा है कि ये 7 में लगी। तो कल वैक्सीन लगी थी, तो इसकी तबीयत भी वैसी है, जो आज मैंने इसको स्कूल नहीं जाने दिया। धीमी आवाज बोल रहा है, बुखार चल रहा, बुखार तो नहीं चल रहा, थोड़ी सी परेशानी है, हाथ में दर्द हो रहा है, वैसे पढ़ाई कर रहा है। मैंने बोला कि आराम कर ले अब तो, लेकिन पढ़ने में लगा हुआ है। देखो आराम की बोली रखता ही बोली थी मैंने, सोजर जाए ओडर का पानी मोड़ पर खिलाया तू है, सुबह का यही बिस्तर में पड़े हो, यही कोई काम धाम कुछ नहीं, खाना। तो मैंने बताया था ना 4-5 पराठे जमा के, जब बैठे अब पता है बीमार है, सोने नहीं दे रही मम्मी, खूब सुबह आराम से, तभी से बोल रही हूँ इससे, पढ़ाई करने में लगा हुआ है बच्चा, पढ़ाई कर, चल अच्छी बात है ये भी। थोड़ी सी बढ़ाई का ही कर दी, दांतन दिखाव लगा है। तो ये 10वीं क्लास में पढ़ता है, 15 साल का हो चुका है, इतना बड़ा है मेरा बड़ा वाला बेटा, ये मैं बता दूँ आज आपको। दो हजार बाईस पहले निकल चुकी है, लेकिन पता नहीं इसको अभी याद आई है, वैक्सीन का कोई गलत असर पड़ गया शायद। 9 टंकी करने में माए ही रहे। अब हाँ चल जा, चल जा, तो तू ये आलू पराठा क्यों खा रहा है, लड्डू खा के आने जा, तू चल जा, बोल जा, दोनों भाई खाया, बीमार हो रहा है ये, बीमार कौन हो रहा है, नौटंकी कर रहा है स्कूल के, मारा है स्कूल कौन गया जैसो बेटा, ये आलू पराठा ने तो रोज खाया, लड्डू खाया जा, मत सर में खा दे, का हो जी, हां डेंगू हो जाए वो है, ये हवा तुरंत पहले हवा ही खाया, और ये फूल को दे, हां
नौटंकी कर रहे हैं बेटे। ये क्या रहा है? आइसक्रीम हो बच्चू? मैं कहाँ हूँ? तेरे गुजरों को दोस्त है ना, वहाँ से सर्दी लग रही है। कैसे लड़े आया का दोस्त सु बेटा? पता नहीं। मरा नहीं दिया? तो फिर? क्यों गया था? वो सब पता है। आज स्कूल कौन गया हो नहीं? तो यार बता सही, स्कूल में आप दोस्तों के संग आई हुई हो? मार को लगाएगा बेटा मास्टर ने, बदमाशी करें जो। तो दोस्तों अब बज गए 4, बच्चे स्कूल से आ गए हैं और आज दिखाती हूँ, देखो बच्चे कितने काम कर रहे हैं इधर आके। खा ले जा रहा हमार नी में, अच्छा बेटो खा ले जा रहा हमार नी में। तो ये बच्ची नहीं आई, तो हमारे सब गिरे में ढाल लो ऊपर। अच्छा 2 दिन से बढ़िया कट रही है, ये नहीं बढ़िया काम हो रहा है। चल तो अर्जा कहा कि नीचे सड़ जा, बोर जी जी आ जा। अब बोर जी जी आ जा, सुट्टा पी रही है माई। तो वंशी का तू काय को ले जा रही है, हैं? थारे बकरिया है? कौन बजी? कल तो 5 बजे कह दियो। ये जेठानी मेरी दूध निकाल रही है, बारिश की वजह खच्चा ही खच्चा हो गया। देखो भैंसों के नीचे खूब बारिश हुई थी। ये रिया आ रही है कपड़े लेकर, स्कूल से आई है, अब कपड़े चेंज करेगी। तो ड्रेस तो सूखी नहीं जो आज यही पहन के गई, मार लगी होगी स्कूल में। तो क्यों आज विदाउट ड्रेस पहुंच गई?